गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास. ड्यू टू नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट कनेक्टिंग टू द गूगल मीट एंड ऑल्सो नेटवर्क इशूज. साउंड इज़ नॉट क्लियरिंग एंड ऑल्सो पिक्चर इज़ नॉट क्लियरिंग, सो आई एम सेंडिंग द वीडियो, सी इट. ओके, टूडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, दैट इज टीम वर्क. आप लोग भी जब एक प्रोजेक्ट दिया जाता है तो टीम वर्क करते हो, तो उस टीम वर्क को जब हम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए. अक्सर लोग फॉलो नहीं करते हैं बिकॉज जब टीम वर्क होता है तो लोग सोचते हैं सारा क्रेडिट मुझे मिल जाए, सारा क्रेडिट मुझे मिल जाए. सब एक दूसरे से कंपटीशन करने लगते हैं. ओके, तो आज कुछ ऐसी चीज़ें हम पढ़ेंगे टीम वर्क के बारे में, शायद आप लोग जानते भी नहीं होंगे. तो आज हम वही टीम वर्क के बारे में जानेंगे. ठीक है, कि जब हमें कोई टीम वर्क कर दिया जाता है, जब हमें कोई ऐसा वर्क दिया जाता है कि आप एक टीम बना के वर्क करिए, तो उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए. ठीक है, तो आपकी बुक में लिखा हुआ है अ टीम इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल. सब लोगों को पता है कि टीम जो होता है एक लोगों का एक ग्रुप होता है विथ अ कॉमन टास्क और गोल टू अचीव. सबको पता है किसी भी एक कॉमन टास्क या किसी भी एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए एक ग्रुप तैयार किया जाता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं. टीम स्पिरिट एंड टीम वर्क इज बेस्ट रिजल्ट. और सारी टीम चाहती है कि हम लोग का जो रिजल्ट है वो बेस्ट हो. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इनकुलेट टीम स्पिरिट एंड लर्न टू वर्क इन टीम फॉर ऑप्टिमम रिजल्ट. तो ये हमें बहुत जानना ज़रूरी है कि अगर हमें उस टीम से अच्छा रिजल्ट चाहिए तो हमें ऐसे कौन कौन से वर्क सीखने चाहिए, कौन कौन से वर्क करने चाहिए. मोस्ट स्पोर्ट्स कॉन्सिस्ट ऑफ टीम, स्पेशली जो स्पोर्ट्स कॉन्सिस्ट होती है, स्पोर्ट्स वाली जो टीम होती है, सेवरल पर्सन्स वर्किंग टूगेदर इंसोर्स मोर एंड बेटर आइडियाज़, बेटर टाइम मैनेजमेंट एंड क्विकर एंड ऑप्टिमम रिजल्ट्स. ईच इंडिविजुअल इन ए टीम वुड अप्लाई हिज कैपेबिलिटीज टू द टास्क एट हैंड. ठीक है, तो नीचे पढ़ते हैं. गिवन बिलो आर सिचुएशन टू टेक्स द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ए टीम. फर्स्ट लिखा हुआ है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चंस. ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं. जैसे लिखा हुआ है कि हाउ बेस्ट कैन यू मोटिवेट योर टीम व्हेन दे मेक अ मिस्टेक. ठीक है, जैसे आप कोई टीम वर्क कर रहे हो और आप उसमें लीडर हो. ठीक है, अगर आपकी टीम में कोई मिस्टेक करता है तो आप उसे कैसे मोटिवेट करोगे कि वो दोबारा गलती ना करें. ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन. क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब आप एक टीम आपको दी गई है, ठीक है, आपको एक टीम दी गई है वर्क करने के लिए, और आपकी टीम में कोई भी स्टूडेंट्स हुआ या कोई भी पर्सन हुआ जो कोई मिस्टेक करता है, तो आप उसे कैसे मोटिवेट करोगे कि वो दोबारा गलती ना करे. तो इसका आंसर जो भी होगा आप मुझे आंसर करके सेंड करोगे, नॉट इन द कमेंट बॉक्स, इट इज़ इन द ग्रुप. ओके, एंड वाई आंसर जो भी टिक लगाना है उसको टिक लगाना है, मुझे आंसर सेंड करना है और रीज़न के साथ सेंड करना है. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज विच इज़ एन इफेक्टिव वे टू एग्जिबिट टीम वर्क. मीन्स क्या हो गया कि हमें टीम वर्क हम जब भी करते हैं तो हम कौन कौन सा अच्छा सा काम करें. एग्जिबिट मतलब होता है डीड मतलब होता है काम, कोई भी काम. ठीक है, तो विच इज़ एन इफेक्टिव मतलब कि ऐसा हम कौन सा काम करें, हम टीम वर्क में ऐसा कौन सा काम करें जो हम इफेक्टिव हो जाएं. इफेक्टिव मतलब लोगों की नज़रों में हम आए. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ट्रस्ट फैक्टर इन ए टीम. समझ में आ रहा होगा कि जब भी हम टीम वर्क करते हैं तो उसमें जो ट्रस्ट वाला जो वर्ड होता है, तो हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं टीम में हर एक मेंबर के ऊपर, हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ एज ए टीम लीडर, अगर आप एक टीम लीडर हो, व्हाट वुड यू डिस्कस ऑन प्रियोरिटी ड्यूरिंग ए टीम मीटिंग. तो जब आपकी जो टीम मीटिंग है तो आप उसमें कौन सी चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी दोगे. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट कुड बी योर कमिटमेंट टूवर्ड्स इंश्योरिंग ए प्रोडक्टिव टीम. सेम क्वेश्चन वही भी है कि जब भी आप एक टीम तैयार करते हो तो आपका सबसे पहला, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो गोल होता है, जो एम होता है, वो कौन सा होना चाहिए. तो ये 5 क्वेश्चंस थे जिसका आंसर मुझे आप लोग को सेंड करना है, नॉट इन द कमेंट बॉक्स, इट इज़ इन द ग्रुप. ओके, आई विल सी द आंसर. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.